मेरे बच्चों नमस्कार। करंट अफेयर की जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे उनमें एक पढ़ा लिया हम लोगों ने महतपुर इंडेक्स और जीआई टेक पढ़ लिया। अभी आज हम लोग चर्चा करेंगे पद्मश्री अवार्ड पर कि पद्मश्री अवार्ड कब देंगे, कैसे देंगे। 60 वीडियो होगा, सारी जानकारी पद्मश्री अवार्ड पर मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ना समय लेते हुए सीधा आप टॉपिक पर आए। देखिए पद्मश्री अवार्ड के बारे में बात करें, देखिए ध्यान से थोड़ी बेसिक जानकारी पद्मश्री अवार्ड के बारे में आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पहले से कहीं पढ़ा हो बहुत बेहतर है, नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं है, चलिए हम हैं आपके लिए। देखिए ध्यान से इन पुरस्कारों, यहां डिटेल इंपॉर्टेंट है, इन पुरस्कारों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा किया जाता है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। लेकिन दिया कब जाता है? मार्च और अप्रैल में। जाहिर है मार्च और अप्रैल बीत चुका है, तो घोषणा भी हो चुकी है और दिया भी जा चुका है 2024 का। 2024 में कुल 132 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, 134 व्यक्तियों को दिए गए हैं। अभी आप कहोगे सर ये दोनों सही कैसे है? 5 को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 को पद्म भूषण दिया गया है और 110 को पद्म श्री दिया गया है। 110 को पद्म श्री दिया गया है। जनवरी 2023 को बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का भी ऐलान किया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो वो है पद्म विभूषण, और तीसरा क्या है? पद्म भूषण, और चौथा क्या है? पद्म श्री। देखिए 2024 का जो पुरस्कार है उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, 30 महिलाएं हैं, विदेशी हैं, एनआरआई है, आईओ है और क्या है? आईसीओ है। एनआरआई क्या होते हैं? ऐसे भारतीय जो 180 दिनों से लगातार भारत से बाहर रह रहे हों और भारत का पासपोर्ट लेकर कैरी करते हुए, एनआरआई है। पीआईओ क्या है? अ पर्सन ऑफ इंडियन वर्जन, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है किंतु अब वो भारतीय नागरिक नहीं है। कहने का मतलब उसके माता पिता या वो स्वयं कभी भारत का नागरिक था लेकिन अब भारत की नागरिकता छोड़कर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता क्या कर लिया है? धारण कर लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पीआईओ कहेंगे। अब आइए बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। पद्मश्री पुरस्कार या भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया है? 1954 में दिया गया। कितने हैं? पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपको मिलेगा क्या? पद्म श्री। क्या मिलेगा? पद्म श्री। ये प्रकार के क्या हैं? तीन प्रकार के हैं। आगे बात करें, अगर देखिए 132 लोगों को दिया गया है सन 2024 में, 132 पद्मश्री पुरस्कार 134 लोगों को दिया गया है। तो आप कहोगे सर पद्मश्री पुरस्कार तो 132 ही है, तो 134 को कैसे दे दिया गया? जी दे दिया गया है, दो को एक साथ दिया गया है, दो दो दंपत्तियां हैं उनको एक साथ दिया गया है। देखिए पीछे देखिए, पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 को, पद्म श्री 110 को। आइए पद्म विभूषण की बात करें, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को। इनका नाम याद करिए, श्री बैजंती माला, किसके लिए दिया गया? कला के लिए, तमिलनाडु से है। के चिरंजीव मोस्ट फेवरेट एक्टर पूरे भारत में, अपने स्टाइल के लिए मशहूर, इनको दिया गया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वेंकैया नायडू जी को दिया गया है। एक व्यक्ति हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं बिहार के, और शायद आप नाम ना सुने हो, श्री बिंदेश्वर पाठक, मरणो उपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कारों में एक ही व्यक्ति को मरणो उपरांत दिया गया है। किस कार्य के लिए? सामाजिक कार्य के लिए। और सुश्री पद्म सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है किसके लिए? कला के लिए। यानी तीन को किसके लिए दिया गया है? तो तीन लोगों को किसके लिए दिया गया है? कला के लिए दिया गया। ये तो हो गया पद्मश्री। अब बात करते पद्म विभूषण। पद्म भूषण हो गया, अब पद्म विभूषण हो गया, अब बात करेंगे पद्म विभूषण की। कितने लोगों को दिया गया है? 17 व्यक्तियों को दिया गया है। इनका नाम याद कीजिए, श्री यम फातिमा बीबी, मरणोपरांत दिया गया है।
ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी हैं। तो इनका नाम, ये पॉइंट याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को आप बहुत भली जानते हैं, हाय तेरे नाम का कुत्ता पालू ऐसा करके डायलॉग बहुत प्रसिद्ध। तो ये पश्चिम बंगाल से है, मिथुन जी को दिया गया है। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। श्री लुंग यू व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है। महोदय कहां के हैं? चाइना के हैं। महोदय कहां के हैं? चीन के हैं। श्री, इनका नाम याद रखें, श्री अलोन चोरी राजगोपालाचार सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। विशेष कहां पर है? ये केरल के हैं महोदय जी। इसके बाद श्री होर्मुसजी यन कमा साहित्य और शिक्षा तथा पत्रकार के लिए दिया गया है। कहां से है महोदय? महाराष्ट्र। श्री सत्य सुब्रणी मुखर्जी पब्लिक फोर्स पश्चिम बंगाल से हैं, इसके लिए दिया गया है। सीतारमन जिंदल व्यापार और उद्योग के लिए कर्नाटक से हैं। श्री अश्विनी बालचंद इनको चिकित्सक लिया दिया गया है, महाराष्ट्र है। अब इसके अलावा श्री राम नारायण पब्लिक फोर्स के लिए महाराष्ट्र के हैं। श्री तेज मत्सूदन पटेल इनको भी चिकित्सा के लिए दिया गया है। नीचे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, जो चर्चा में खूब रहते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का नाम याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण दिया गया है। और म्यूजिक इनका बहुत प्रसिद्ध है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का आप जानते ही हैं। श्री दत्त सेतर अंबादास उर्फ राजदत्त कला के लिए दिया गया है। ये जो मैडम है इनका नाम है उषा उथप्पू, ये मैडम है उषा उथप्पू, पश्चिम बंगाल की प्रमुख कलाकार हैं ये, बहुत बड़ी सिंगर है पश्चिम बंगाल की, तो सिंगर है, इनको इसलिए दिया गया है। श्री तोगदान रिनपोछो मरणो उपरांत दिया गया है। ये महोदय कहा के हैं? अध्यात्मवाद के लिए दिया गया है। ये लद्दाख के हैं, नाम याद रखिए, लद्दाख चर्चा में है, जो जो बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको जरूर याद रखिएगा। श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर चिकित्सा क्षेत्र के लिए दिया गया है, बिहार से। श्री विजयकांत मरणोपरांत दिया गया, तमिलनाडु से हैं। श्री कुंदन व्यास साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता महाराष्ट्र से हैं। अब बात करेंगे हम लोग पद्म श्री पुरस्कारों के बारे में। तो कितने लोगों को दिया गया? 112 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने दिया गया है? 10। अंतर समझिएगा, कहे पद्म पुरस्कार कुल कितना दिया गया? 132। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 134। अब यही पर ये तो पद्म, 110 पद्म श्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 112 व्यक्तियों को दिया गया, यानी 2 पद्म श्री 4 लोगों को दिया गया होगा, 2 पद्म श्री 4 लोगों को दिया गया होगा। तो 110 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं, 112 व्यक्तियों को दिए गए। कुल पद्म श्री कितने दिए गए हैं? 132 दिए गए हैं। कितने व्यक्ति को दिए गए हैं? 134 को दिए गए हैं। इन 34 व्यक्तियों, देखो उन 34 व्यक्तियों के लिए पद्म श्री पुरस्कार की घोषणा किया गया, जिनको अनसंग एंड यूनिक रहा है। वो 34 व्यक्ति जो यूनिक रहे हैं उनके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, जिनको अनसंग समझ पाए, जिनको आप जानते नहीं, जो बहुत चर्चित नहीं है लेकिन जिनका काम बहुत यूनिक रहा है, जिनको आप जानते नहीं है जिनका काम बहुत यूनिक रहा है, मैडम का नाम जरूर याद रखिए, बहुत सराहनीय काम किया है इन्होंने, मैडम जी ने बहुत सराहनीय काम किया है। देखो ये क्या क्या, पार्वती बरुआ 67 साल की हैं, सामाजिक पशु कल्याण, भाई साहब पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी हाथी के बचाव में लगा दिया है, पूरी जिंदगी इन्होंने हाथी की सेवा में लगा दिया गया, इन मैडम को दिया गया है, इनका नाम याद रखिएगा। सामाजिक कार्य के लिए दिया गया चाची मुर्मू, चम्मी मुर्मू जी को दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, इनको याद रखिएगा। जागेश्वर यादव जी को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, जनजातियों में ठीक सामाजिक कार्य इन्होंने किया है तो इसके लिए दिया गया है। ये वो व्यक्ति हैं जिनको आप नहीं जानते हैं लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया है। हम लोग मानते हैं कि जो रील में प्रसिद्ध है बस वही व्यक्ति योग है, ऐसा है नहीं। देखिए अब अगर बात करें यहां पर, यहां देखिए हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के, हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पारंपरिक चिकित्सा,
पारंपरिक चिकित्सा के लिए, हेमचंद मादी जी को चिकित्सा आयोग के लिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें अगर दुखी मांझी को, पुरुलिया पश्चिम बंगाल की है, आदिवासी पर्यावरणवाद के लिए इनको मिला हुआ है। के चललम दक्षिण अंडमान के लिए जैविक खेती, जैविक किसान है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा आइजोल मिजोरम में सबसे बड़ा अनाथालय खोला है जिस व्यक्ति ने, संग थनिकमा जी को इनको दिया गया है। इसके अलावा श्री अली मोहम्मद को और श्री गिनी को इनको एक साथ दिया गया, मैंने बताया था दो लोगों को एक साथ दिया गया, श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद को कला के लिए दिया गया है, ये राजस्थान से हैं, यानी एक ही पुरस्कार दो लोगों को दे दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे पहले वाले में जीआईटेक वाले में भी पढ़ाया था आपको, मधुबनी पेंटिंग, देखिए आ गया ये मधुबनी पेंटिंग, यही दो दंपत्तियां हैं जो करते हैं, श्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान, ये मधुबनी पेंटिंग करते हैं और यही मधुबनी पेंटिंग को जीआईटेक भी दिया गया है बिहार में, तो ये इनके लिए दिया गया है। आगे सुने स्पोर्ट्स क्षेत्र में किसे किसे दिया गया, तो टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी हरविंदर सिंह इनको दिया गया है, हॉकी खिलाड़ी हरविंदर सिंह को दिया गया है। इसके अलावा एक खिलाड़ी है जिनका नाम है जोशन चिंपा, इनको दिया गया है। इसके अलावा उदेश पांडे जी को मिला है खिलाड़ी के लिए, ये इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। का धरुंधर परिमा, क्या नाम है, महा ताऊ, इनको मिला है। इसके अलावा पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को मिला है। इसके अलावा तैराकी में सत्येंद्र सिन्हा लोहिया को, तैराकी क्षेत्र में स्वतंत्र सिंह लोहिया को इनको दिया गया है स्पोर्ट के खिलाड़ियों में। अब आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ सवालों पर, अगर सवाल की बात करें तो अब कुछ सवाल जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पहला, भारत में पहली बार पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे, पहले पद्मश्री पुरस्कार कब दिए गए थे आपको पढ़ाया था अभी, आपको कब बताया था 1954 में, पहला पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था 1954 में। आगे कहें किन व्यक्तियों को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया, कितने व्यक्तियों को, तो अगर व्यक्ति कहेगा तो कितने 34, और कितना पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया तो कितना 32, कितना बेटा 32। कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है, पदम, ध्यान सुनिएगा, पदम विभूषण, अगर पदम विभूषण की बात करेगा तो पदम विभूषण कितने को 5 को, पदम विभूषण कितने को 5 को, और पदम भूषण कितने को 17 को, और पद्मश्री कितने को 110 को, कितना 110, कितना 110, और कुल कितना 132, कितने व्यक्तियों को 134, कितने व्यक्तियों को 2024 में पदम विभूषण से सम्मानित करने की बात किया गया है, कितने व्यक्तियों को पदम भूषण, तो कितने 17, पढ़ लिया है तो सवाल आसान हो गया होगा सभी। 2024 में पद्मश्री पुरस्कारों से कितने व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा, पद्मश्री, तो पद्मश्री कितना 110, पद्मश्री 110, बस दो मिनट और। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फातिमा बीबी को, बस सर छोड़ दिया, पद्म विभूषण, कौन सा बेटा पद्म विभूषण। इसके अलावा देखिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित पार्वती बरुआ किस क्षेत्र से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया था पार्वती बरुआ किस क्षेत्र, सामाजिक एवं गति विभाग, सोशल एक्टिविस्ट है। जोशन चिंपा किस खेल से संबंधित थे, अभी तो ठीक थे बताया था आपको, चेस्ट बताया था, किससे संबंधित थे, रक्कस से संबंधित थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मक्कल खेल से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा मलखंब खेल से संबंधित थे, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी उदेश पांडे जी संबंधित थे। चम्मी मुर्मा किस महिला को शक्ति पुरस्कार दिया गया है, देखिए तो इनको 2019 में दिया गया था, चम्मी मुर्मा जी को महिला सशक्तिकरण के लिए भी उनको पुरस्कार मिला था 2019 में, चम्मी मुर्मा जी को याद रखिएगा, सवाल रिटेल पूछ सकता है। हाल ही में पद्मश्री से संबंधित जागेश्वर यादव किस राज्य से संबंधित है, जागेश्वर यादव किस राज्य से संबंधित है, तो अभी आपने पढ़ा था छत्तीसगढ़, और उन्होंने जनजातियों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खेती के लिए, अभी आपने पढ़ा था वो कहां के थे जिनको जैविक खेती के लिए दिया गया था, अभी आपने पढ़ा था कहां, अंडमान निकोबार के लिए, और जैविक खेती के लिए किनको दिया गया था, अभी आपने पढ़ा था वो कौन है, के चललम है, कहां से,
अंडमान निकोबार से। एम के वेंकैया नायडू भारत के किस वर्ष उपराष्ट्रपति बने थे? एम वेंकैया नायडू भारत में किस वर्ष राष्ट्रपति बने थे? तो कब बने थे? सन 2017 में। किस भारतीय सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति नृत्य संबंधित है? देखिए, किस भारतीय संस्कृति नृत्य से संबंधित है? थोड़ा सवाल शायद थोड़ा गलत हो गया है सन 14 का, असल में यह है कथक कली, जो मैडम नहीं थी वैजंती माला जी, ये वो वाला बात केरल वाली। निम्नलिखित में से किसे मरणो उपरांत 2024 में पद्म विभूषण, मैंने बताया था एक ही व्यक्ति को मरणो उपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, एक ही व्यक्ति को मरणो उपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा? बिंदेश्वर पाठक जी को। पद्म भूषण से सम्मानित किस देश, हाँ लिंग यूंग किस देश से है? इंपॉर्टेंट मैंने बताया था बेटा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उद्योग और व्यापार के लिए दिया गया है, किस देश से है? वो ताई वान से है। कौन सी फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कहीं पर यही लिखा होगा, देखिए कहीं पर, द कश्मीर फाइल नहीं, टाहोर कथा, ये भी नहीं होगा, टाहोर कथा भी नहीं होगा, इसके अलावा द कश्मीर फाइल में सपोर्टिंग एक्टर के लिए दिया गया। सन 2014 में पद्म विभूषण सम्मानित राम नाइक किस प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं? तो राम नाइक जी किस प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं? ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा अगला सवाल, शिव पासवान और शांति पासवान, मैंने बताया था आपको किसके लिए दिया गया है इनको, लोक चित्रकला के लिए, कला के लिए, शिव पासवान और शांति पासवान। अब अगर आप ये सवाल गलत करते हैं तो फिर आपने पढ़ा लिखा नहीं है, किससे? चित्रकला के लिए। कहा मधुबनी पेंटिंग करते हैं वो, क्या करते हैं वो? मधुबनी पेंटिंग करते हैं वो। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के लिए पद्म विभूषण दिया गया है? निम्नलिखित में से किस पत्रिका के लिए? अब आप व्यक्ति का नाम भी याद रखेंगे तो क्या है, श्री कुंदन व्यास, श्री कुंदन व्यास को, इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये थे पद्म विभूषण से संबंधित सवाल। देखिएगा अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे भारत रत्न के बारे में, बहुत सारे पुरस्कार के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है इसके बारे में। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो शेयर कीजिएगा, अगर लग रहा हो कि मेहनत किया गया है तो शेयर कीजिएगा। तब तक जय हिंद जय भारत।